गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम ये वही पार्ट 6 है ना लिंग, उसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए पेज नंबर 34 है ना, पेज नंबर 34 है। इसमें जो ये है पुलिंग स्त्रीलिंग, आज इसको हम कॉपी में, लैंग्वेज कॉपी में करेंगे। ठीक है, चलिए करना शुरू करिए बेटा। चल डेट डालते हैं पहले हम लोग, आज है 17/9/2020। अब यहाँ CW मैंने डाल दिया। ठीक है, अब होगा पार्ट 6 लिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग लिखिए, स्त्रीलिंग लिखिए। जिस शब्द मैं लिख रही हूँ उसका हमें स्त्रीलिंग लिखना है। देखिए यही मैं बताने वाली हूँ बेटा, ये देखिए ना, यही मैं पूरा सेम उतारने वाली हूँ। इस साइड में पुल्लिंग लिखा है, ये स्त्रीलिंग है। तो जैसे पिता है ना, पिता का स्त्रीलिंग होगा माता, दादा का दादी, नाना का नानी, चाचा का चाची और ताऊ का ताई। इसी चीज़ को हम कॉपी में अब लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुल्लिंग। ठीक है, पुल्लिंग इस साइड में स्त्रीलिंग। चल पिता, पहला वर्ड हमारा पिता, पिता का क्या होगा बेटा, माता है ना, दादा, दादी, नाना, नानी, ये सारे हमारे रोज़मर्रा के बोलने वाले शब्द हैं। हम लोग सबको पता है नाना नानी, दादा दादी है ना, चाचा चाची, अगला है चाचा चाची, चाचा के साथ चाची, इसके बाद है ताऊ, ताऊ यानी पापा के बड़े भाई जो होते हैं वो ताऊ होते हैं, और उनकी जो पत्नी होती है वो ताई कहलाती है। ठीक है, देखिए यहाँ पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, इसको थोड़ा अंडरलाइन करेंगे। पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची और ताऊ ताई। ठीक है, अब इसके बाद ये देखिए, ये इसके ये है ना, ये ताऊ ताई तक हो गया। अब ये जो है इसको भी इसी इसके नीचे उतारेंगे हम कॉपी में। ठीक है, इसको क्या है फूफा, फूफा का क्या होगा स्त्रीलिंग, बुआ, बुआ जी जो होती हैं हमारी, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो फूफा जी कहलाते हैं। मामा, ठीक है, अब है मामा, मामा के साथ कौन होता है, मामी है ना। अब है मौसा, मौसा कौन होता है बेटा, जो मम्मी की बहन होती हैं वो मौसी कहलाती हैं, और उनके हस्बैंड जो होते हैं वो मौसा कहलाते हैं। तो मौसा के साथ होगा बेटा मौसी है ना। अब बेटा, बेटा के साथ क्या होगा बेटी, बहुत ही आसान है ना, एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा हमें। यह है वर, वर मैंने आपको बताया था, वर यानी दूल्हा, और दूल्हा का ये होगा वर का वधू। ठीक है, वर का वधू।
तो बेटा देखिए हमारा यहाँ तक हो गया, वर वधु तक हमने कर लिया, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है देखिए, ये पशु पक्षी और जीव जंतु, इन्होंने यहाँ हेडिंग डाली है। लेकिन हम लोग हेडिंग नहीं डालेंगे, उसी के नीचे हम लोग करना शुरू कर देंगे। जैसे हंस का हंसिनी है ना, मोर मोरनी, शेर शेरनी, तो हम सीधे इसको शुरू कर देंगे। वर वधु के बाद हम लोग यहाँ करेंगे हंस, हंस का होगा हंसिनी, ठीक है। अब उसी के नीचे से शुरू कर देंगे मोर, मोर का क्या होगा मोरनी, है ना, तो सभी को पता है बेटा। शेर, शेरनी, ये देखिए ये यहाँ हंस हंसनी हो गया, मोर मोरनी हो गया, शेर शेरनी हो गया। अब ये सिंह सिंहनी, मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, बहुत ही इजी है सब चीज़ें। ये हम आसपास हम सब देखते रहते हैं ना। सिंह तो हम लोगों ने जू में चिड़ियाघर में देखा होगा, सिंह का सिंहनी, सिंहनी, मुर्गा मुर्गा का होगा मुर्गी, बकरा बकरी, ठीक है। अब ये देखिए पेज नंबर 35 है, इसमें ये देखिए ये घोड़ा घोड़ी, बंदर बंदेरिया, चूहा चूहिया, चींटा चींटी, हाथी हथिनी, बिलाव बिल्ली, ठीक है। तो इसको भी हम करेंगे, चल बीच के आगे हम शुरू करते हैं। बकरा बकरी के आगे हम लिखेंगे घोड़ा घोड़ी, घोड़ा घोड़ी, फिर है बंदर, बंदर का हो बंदरिया, रा में छोटी की मात्रा लगेगी, बंदेरिया। उसके बाद क्या आएगा चूहा, और उसका स्त्रीलिंग होगा चूहिया, चूहा का चूहिया। अब है चींटा, चींटा का चींटी, हाथी हथिनी, था में छोटी की मात्रा, ना में बड़ी की मात्रा, हथिनी। और बिलाव, बिलाव का होगा बिल्ली, तो ये आज हमने इतना स्त्रीलिंग पुल्लिंग देखिए ये हमने किया है, ठीक है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग देखिए, है ना। तो ये अभी आप हिंदी लैंग्वेज कॉपी में करके मुझे अभी चेक करवाएंगे मुझसे, और राइटिंग अच्छी रखेंगे, ठीक है, और ऐसे ही साफ साफ सब लोग लिखेंगे, डेट प्रॉपर डालेंगे, कुछ बच्चे होते हैं डेट नहीं डालते हैं तो डेट डालेंगे, और लेसन का नाम भी ठीक से लिखेंगे। तो ये हमारा क्लास वर्क है, मैं होमवर्क बता रही हूँ, इसी को बेटा आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। और एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ होमवर्क में, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये देखिए पेज नंबर है 36, हाँ पेज नंबर 36 में ये देखिए ये वाला रेखांकित शब्दों के लिंग बदल, ठीक है, क्या लिंग बदलेंगे, जैसे यहाँ माली घास साफ कर रहा है ना, तो माली की जगह क्या हो गया मालिन, माली का स्त्रीलिंग होगा मालिन। इसी तरह दादाजी टॉफ़ी लाए हैं, दादाजी का क्या होगा यहाँ पे आएगा दादी जी,
ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है दादी जी, बुक में करना है ये। कबूतरी उड़ रही है, इसका क्या होगा, कबूतर उड़ रहा है, ठीक है। घोड़ी उछल रही है, यहाँ होगा घोड़ा उछल रहा है, यानी सिर्फ घोड़ा होगा बेटा, सॉरी, यहाँ कबूतरी का कबूतर हो जाएगा, घोड़ी का यहाँ पे सिर्फ घोड़ा आएगा, और कुछ नहीं लिखना। शेर दहाड़ रहा है, यहाँ पर सिर्फ शेरनी आए, शेर का स्त्रीलिंग शेरनी, ठीक है। घोड़ी का घोड़ा, कबूतरी का कबूतर, और दादाजी का दादी जी, ठीक है। ये बुक में करना है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये होमवर्क है। और उसको रिवाइज का, तो ये जो मैंने अभी करवाया इसको आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है, एक बार में पढ़ने में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू।